नमस्कार दोस्तों, बसपा सुप्रियो मायावती के आरोपों का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा पलटवार, दे दिया है बड़ा बयान। जी हां मित्रों, आप सभी को पता होगा कि कल बीएसपी सुप्रियो मायावती ने अपने जन्मदिन पर लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला तक बोल दिया। ऐसे अगर आप उस बयान को सुनेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि बहन जी ने समाजवादी पार्टी पर हर मुद्दे को लेकर हमला किया है। अब इसी बीच देर रात आपको बता दें कि अखिलेश यादव का भी बड़ा ट्वीट निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए बहन जी की पार्टी और बहन जी को लेकर काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सपा में साख शब्द का मतलब सिर्फ समाजवादी नहीं बल्कि सही मायने में संविधानवादी भी है, इसलिए सपा को संविधान पार्टी या संविधानवादी पार्टी भी कह सकते हैं। हम एक ऐसी विशेष पार्टी हैं जिसने अपना नाम देश के संविधान की उद्देशिका में लिखे एक लोकतांत्रिक मूल समाजवादी पर रखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा को हम और भी मजबूती से एक मिशन, एक आंदोलन की तरह लेकर चलेंगे। हमारा क्षण पर आँच नहीं आने देंगे। हर वोटर अपने मत का मान और मूल्य समझे, इसके लिए अब मतदान को मतमान कहना शुरू कर देना चाहिए। मतलब मतदान नहीं मतमान होना चाहिए। ये बात आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बोली है। अखिलेश यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। धन्यवाद।